लाइव है सर। आवाज आ रही है? अनीश चाहर ज्वाइन, अतुल कुमार हाँ भाई, कितने लोग देख पा रहे हैं मुझे मैसेज करिए जरा, देख पा रहे हैं तो। अनीश शाहर आ गए सर जी, चरण स्पर्श करता हूँ, खुश रहो अनीश, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, बाकी लोग भी लाइव आ जाइए फटाफट से। रविंद्र राइडर गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग रविंद्र। सत्यवीर साक्या इटावा से, अरे इटावा वाले तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। नमस्ते सर, नमस्ते सत्यवीर। गुरुजी प्रणाम। रोहित बरुआ कर रहे हैं प्रणाम भाई, रोहित कैसे हो? बाकी सभी लोग कहाँ गए? थोड़ा सा लेट है सेशन, मैं जानता हूँ थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू बन गया था, उसकी वजह से हम लोग 5 मिनट लेट हो गए हैं। हेवेंद्र यादव गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग हेवेंद्र। आ जाइए फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए, एक मिनट में जब इंतजार कर लेता हूँ आप सभी लोगों का, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट से लाइव आते जाएं और मैसेज करते जाएं, मुझे भी पता चले कितने लोग लाइव आ गए हैं। जैसे कि हेवेंद्र, रोहित, सत्यवीर, रविंद्र और अनीश चाहर ने मैसेज किया है। आते जाइए फटाफट से लाइव सभी लोग। अनीश चाहर सर जी प्रिय तो आप भी हम सबके हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश। अनीश तो बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है मेरा। आयुष हेलो सर, हेलो, हाय आयुष। रोहित गुरुजी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? बस वेट करिए थोड़ा सा, आधे मिनट का वेट करिए, अभी टॉपिक भी आपके सामने आने वाला है। रोहित किट्टू गुड इवनिंग सर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लाइव सेशन, यू आर मोस्ट वेलकम किट्टू। चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिससे कि और लोग जुड़ते जाएंगे और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी उनका नहीं निकलेगा। बाकी तो आपको मालूम ही होगा कि आप यहाँ पर लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हैं। देखिए टॉपिक अभी कोई भी स्टार्ट करें, उससे पहले मैं कुछ जनरल बातें कर लेता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने मेरा लास्ट टॉपिक देखा होगा, लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हम रीजनिंग का सिलेबस किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस समझाया था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास वो नहीं है, इसमें मैं आपको सिलेबस दोबारा नहीं समझाने वाला हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था, एक बार वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये क्लास भले ही ऑनलाइन है, अतुल कुमार करें गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग अतुल। हाँ जी, ये क्लास भले ही आपकी ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, लेकिन याद रखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें एकदम से ऐसा फील करेंगे जैसे कि ऑफलाइन में क्लास ले रहे हैं। एक एक चीज को बाकायदे डिटेल्ड कवर करता हुआ चलूंगा मैं, आपके सारे डाउट्स को कवर करता हुआ चलूंगा। आप मुझसे नहीं भी पूछ पाएंगे तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात तो यह है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा बहुत स्लोली कि आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी लोग आते जाएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि अभी मुझसे किसी ने पूछा सर कौन सा टॉपिक लेने वाले, शायद अनीश ने पूछा, तो मैं आपके सामने सबसे पहले टॉपिक का ही नाम लिख देता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, इसे हिंदी में कहते हैं दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी, देखिए इसमें दो टर्म है, एक है डायरेक्शन तो एक है डिस्टेंस। इसका मतलब हम इस चैप्टर में दोनों ही चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग डायरेक्शंस को भी, क्या कह रहे हैं गुरुजी, आपकी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं हो रही है, मे बी आपका कुछ इंटरनेट का इशू होगा रोहित, है ना। ये थोड़ी देर में वो आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्पीड अच्छी होगी तो बिल्कुल मैच करने लग जाएगी, डोंट वरी, सब मैच करेगा। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर दो टर्म है, एक है डायरेक्शंस और एक है डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि इस टॉपिक में हम दोनों चीज पढ़ते हैं, डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं का भी ज्ञान करते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी भी नापने का इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक हो, ये हो या कोई एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक हो, हम सभी को जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए
मैंने कहा था जीरो लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को भी, और बेसिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, वो बेसिक है नहीं। बेसिक का मतलब है कि मैं आपको बाकायदे डायरेक्शंस कितने होते हैं। कौन है कॉल पे? कुलदीप सर ले लीजिए जब तक लाइव आ रहे हैं लोग। हाँ कुलदीप, क्या कहना चाहते हो बताओ। मेरी आवाज मिल रही है कुलदीप? हेलो कुलदीप, पहली बार पढ़ रहा हूँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली बार पढ़ रहे हो कुलदीप, चलिए ठीक है, अभी तो पढ़ाई शुरू हो रही है, अच्छा लगेगा आपको, डोंट वरी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। चलिए डिस्कनेक्ट कर दें कॉल आपकी, क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे उसके बाद हम लोग। देखिए आपने देखा होगा मैंने एक कॉल ली थी, ये फैसिलिटी है अपने ऐप पे, वो सिर्फ इसलिए है कि आपका कोई डाउट होता है तो आप अपना कॉल उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि मुझे लगता है वो सही समय आपका कॉल लेने का तो मैं आपका कॉल भी लूंगा, ठीक है। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक में हम लोग सबसे पहले डायरेक्शंस को पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शंस जो होते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं। ये हम बहुत पहले से जानते हैं सभी लोग, डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं चार होती हैं। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? चार होती हैं। जैसे कि ऊपर वाले डायरेक्शन को हम नॉर्थ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, और इसे वेस्ट कहते हैं। चिंता मत करिए, बाइलिंगुअल रहूंगा, इंग्लिश में लिखा है हिंदी में भी लिखूंगा, ठीक है, दोनों टर्म यूज करेंगे। नॉर्थ को हिंदी में कहा जाता है उत्तर, साउथ को कहते हैं दक्षिण, ईस्ट को कहते हैं पूर्व, और वेस्ट को कहते हैं पश्चिम। इन चार दिशाओं के बारे में हम सभी लोग बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये और जान लेना चाहिए कि इन चार दिशाओं के अलावा भी इन्हीं के बीच में से और चार डायरेक्शंस निकलते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाला ये जो डायरेक्शन है इसे हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसी प्रकार साउथ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाला ये जो डायरेक्शन है आप मुझे बोलकर बताइए इसे क्या बुलाएंगे? इसे बुलाएंगे साउथ ईस्ट, हिंदी में बुलाएंगे दक्षिण पूर्व। सेम हियर, साउथ और वेस्ट के बीच में से निकलने वाले इस डायरेक्शन को हम बुलाएंगे साउथ वेस्ट, हिंदी में कहेंगे दक्षिण पश्चिम, और इस वाले डायरेक्शन को हम बुलाएंगे नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में कहेंगे इसको उत्तर पश्चिम। तो कुल मिलाकर चार आपके बेसिक डायरेक्शंस और चार उनके बीच में से निकलने वाले डायरेक्शंस को जोड़कर देखें तो कुल मिलाकर हमारे चैप्टर में जो डायरेक्शंस यूज होंगे वो होंगे कितने? आठ होंगे। अच्छा इसी बीच में आपको कुछ डिग्रीज के मूवमेंट के बारे में भी समझाना चाहता हूं। ये जो दिशाएं हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से ईस्ट तक यदि आप देखेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। अगेन ईस्ट से साउथ तक देखेंगे 90 है, फिर यहां से वेस्ट तक 90 है, वेस्ट से नॉर्थ तक 90 है, 360 डिग्री का एक हम सर्कल भी बना सकते हैं इसमें। डिग्रीज की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे इस चैप्टर में डिग्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बाकायदे एक सेपरेट टाइप है डिग्रीज से रिलेटेड जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी बीच मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहां पर केवल दो डायरेक्शन बना देता हूं, ये है एक नॉर्थ और ये है ईस्ट। आप जानते हैं नॉर्थ ऊपर होता है यहां से देख सकते हैं, और ईस्ट राइट हैंड साइड में, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये एंगल 90 डिग्री है। इसके बीच में से जो डायरेक्शन निकलता है अभी अभी मैंने आपको बताया वो क्या था? वो था नॉर्थ ईस्ट। दैट मीन्स यदि ये बीच में से निकला है, बिल्कुल बीच में से निकला है, तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री। इसका मतलब यही तो हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है या साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है या साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमेशा 45 डिग्री पर निकलता है। इसका मतलब यही तो हुआ। यदि ऐसी बात है तो मेरे एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। यदि मैं यहां से इस डायरेक्शन को आपसे पूछूं कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तब आप इसे क्या बोलेंगे? चलिए इसे भी छोड़िए, यदि मैं इस डायरेक्शन को यहां से आपसे पूछूं ये कौन सा डायरेक्शन है, तब आप इसे क्या बोलेंगे? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एग्जैक्टली बीच में से निकलता है यानी कि 45 डिग्री से होता हुआ निकलता है तो ये नॉर्थ ईस्ट है। यदि ये नॉर्थ से थोड़ा सा आगे है, मान लीजिए ये 20 डिग्री आगे है या 35 डिग्री आगे है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डायरेक्शन बुलाया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जितने भी डायरेक्शन है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहे हैं,
जितने भी डायरेक्शन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहे हैं, वो भले ही 45 डिग्री से निकलता हो या 30 डिग्री से निकलता हो या 20 डिग्री से निकलता हो, याद रखेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाले डायरेक्शन को हमेशा क्या बुलाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ही बुलाया जाएगा। ठीक है, सेम ईयर यदि आप साउथ ईस्ट के बीच में से और भी अलग अलग डायरेक्शंस निकालते हैं तो उनका नाम हमेशा साउथ ईस्ट ही बुलाया जाएगा। कोई मैटर नहीं है कि वो एग्जैक्टली 45 डिग्री से निकला है या नहीं निकला है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला, तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमेशा 45 डिग्री से चलाएंगे, कभी भी 30 डिग्री या 20 डिग्री से चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। मींस यदि साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हमें उस व्यक्ति को 45 डिग्री के एंगल से ही चलाना शुरू करना है। क्लियर है मेरी बात यहां तक आपको? मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था बेसिक यही है जिसमें हम डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ सकें, डिग्रीज कैसे काम करती हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकें, यही बेसिक है। क्वेश्चन भी आसान शुरुआत में इजी से लेके हम टॉप लेवल तक चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ रोहित बरुआ क्या पूछ रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ नहीं बुला सकते, आपने मुझे बहुत अच्छी बात याद दिलाई रोहित। देखिए रोहित ने मुझसे पूछा सर ये नॉर्थ ईस्ट है तो क्या हम इसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नहीं बुला सकते? बिल्कुल बुला सकते हैं, आप इसे ईस्ट नॉर्थ भी बुला सकते हैं, आप इसे साउथ ईस्ट की जगह ईस्ट साउथ भी बुला सकते हैं, इसे वेस्ट साउथ और इसे वेस्ट नॉर्थ भी बुला सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोल लीजिए या ईस्ट नॉर्थ बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बुला सकते हैं। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा आपको। चलिए इस टॉपिक में हम लोग यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म एक बार समझ लें, क्योंकि मुझे बाइलिंगुअल रहना है, हो सकता है किसी बार मैं हिंदी बोलकर रह जाऊं और इंग्लिश ना बोल पाऊं, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं यहां पर एक टर्म यूज होगा बायां, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लेफ्ट। ठीक है, एक टर्म यूज होगा दायां, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट। तो कुछ लोग राइट लेफ्ट समझते हैं तो कुछ बायां दायां समझते हैं, एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूं, वैसे मैं तो नहीं देख पा रहा आपको, आपको पता है आपका दायां हाथ कौन सा है? दायां हाथ ये है जिससे हम दाल खाते हैं, दायां हाथ ये है जो दमदार है, मुक्का मारो तो दांत तोड़ सके किसी व्यक्ति के, जो दमदार है वो दायां है और जो कमजोर बचा वो बायां है, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि दायां जो दमदार है जिससे खाना खाते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे हो सर मैं तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से खाता हूं, ठीक है वो एक्सेप्शन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बायां दायां हिंदी में बायां ये है और दायां ये है, लेफ्ट राइट इंग्लिश में लेफ्ट ये है और राइट ये है। ठीक है, तो इतना तो बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आपको एक बात यह समझनी चाहिए कि जब भी हमें लेफ्ट लेने के लिए बोला जाता है तो लेफ्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, जब भी हमें राइट लेने के लिए बोला जाता है तो राइट हमेशा हम बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पर ही मुड़ते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कोई व्यक्ति नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर चलता है, जरा अपने आप से पूछिए कि नॉर्थ किधर है, उधर देखकर भी बता सकते हैं नॉर्थ है ऊपर। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर सीधा चलता है और यहां से दायां मुड़ता है, दायां मतलब राइट मुड़ता है, यहां से दायां मुड़ता है राइट मुड़ता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, सर हमें यही नहीं समझ में आता कि राइट जब मुड़ना है तो वो इधर मुड़ेगा या फिर इधर मुड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसी पॉइंट को क्लियर करा देता हूं जो सबसे बेसिक है, क्योंकि जब आप लेफ्ट राइट ही सही नहीं ले पाओगे तो मेरे ख्याल से भगवान भी आगे किसी आसान से आसान क्वेश्चन को भी सही नहीं करा सकता। तो याद रखेंगे हमेशा जब भी हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले मैं आपके लेफ्ट राइट ही क्लियर करा देता हूं। मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सीधा चला जाता है, ऐसे आ गया, मैंने कहा यहां से राइट मुड़ता है दायां राइट, तो अब लोग कंफ्यूज है कि राइट हैंड किधर मुड़ना है, सर इस साइड मुड़ना है या इस साइड, तो मैं पहले आपको बता दूं राइट हैंड साइड मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। अभी ये समझना कैसे है कि जब ये व्यक्ति ऊपर की तरफ गया तो ये व्यक्ति कोई और नहीं था, आप थे, आप अपनी मोटरसाइकिल से स्कूटर से साइकिल से या पैदल आप खुद उत्तर दिशा की ओर सीधे चले जा रहे थे। आप जब खुद उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, आप इस बात को इमेजिन करिए कि आप खुद ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ फेस है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये वाला हैंड आपका कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा।
ठीक है। अच्छा, जब वो इस तरफ मुड़ गया, अब मैं कहता हूं अब वो पूरब की तरफ जा रहा है यानी कि ईस्ट की तरफ, यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है बायां, तो आप मुझे बताइए जरा किधर मुड़ेगा। आई होप आप बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग, जब वो लेफ्ट मुड़ेगा तो यहां आपका फेस इधर है तो आप लेफ्ट मुड़ोगे तो कहां मुड़ोगे, ऊपर मुड़ोगे। मान लीजिए अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं फिर से नॉर्थ की तरफ, मैं फिर से पूछता हूं कि लेफ्ट मुड़ना है तो आप किधर मुड़ोगे, तो आप खुद इमेजिन करिए आप खुद जा रहे हैं, लेफ्ट मुड़ना है बायां किधर मुड़ेंगे, तो आप इधर मुड़ेंगे। ठीक है, तो आप यदि इमेजिनेशन की पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि मैं खुद जा रहा हूं तो आपके लेफ्ट और राइट कभी भी गलत होने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा अतुल कुमार, वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे, बिल्कुल सही। हाँ जी, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, पहले तो ये बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में ऑनलाइन में। अच्छा कह रहे हैं नो सर, क्या नो सर, पूरा लिख के बताओ क्या नो सर, समझ नहीं आ रहा है कि मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, क्या नो सर लिख रहे हो अनीश, बताओ अतुल कुमार बताओ, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि मे भी ऑनलाइन में आपको बहुत धीरे धीरे चाहिए हो, सही जा रहे हो। अरे वाह अतुल बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, चलो ये बढ़िया। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और स्लो पढ़ाने की आपको, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको सबसे पहले ये क्लियर कराने की कोशिश की थी कि लेफ्ट और राइट मुड़ने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुलदीप कुंतल करें बहुत अच्छा है सब, थैंक यू वेरी मच कुलदीप। अनिश क्या कह रहे हैं, ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन जैसा, एकदम मस्त सर जी, थैंक यू वेरी मच अनिश, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था स्टार्टिंग में आते ही कि आप ऑनलाइन भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन ऑफलाइन जैसा फील करेंगे एकदम से। मे भी मेरी पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा कुछ 19-20 हो सकता है, धीरे धीरे मैं भी रिदम में आ जाऊंगा और आप भी पढ़ने के रिदम में आ जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करें। हाँ जी, तो लेफ्ट और राइट आपको क्लियर हो गया किस तरीके से मुड़ना है, इमेजिनेशन होनी चाहिए आपकी, आप मोटरसाइकिल चलाकर जा रहे हैं। अभी एक बात बताओ, कभी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाओ, ठीक है, दोस्त जा रहा है आपको रास्ता मालूम है उस मंजिल का जिस मंजिल आप दोनों जा रहे हैं, आप अपने दोस्त को बोलते हो आगे जाके लेफ्ट मुड़ना है, कभी ऐसा हुआ कि उसने राइट मुड़ा हो, वो बात अलग है थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे और आपकी जैसा होगा तो बिल्कुल गलती नहीं करेगा। जब हम कहेंगे लेफ्ट मुड़ना है तो वो लेफ्ट ही मुड़ता है, राइट कहेंगे तो राइट ही मुड़ता है। विश्वेंद्र सिंह, साउंड और फिजिकल एक्टिविटी मैच नहीं है सर, वो विश्वेंद्र आपकी नेट की प्रॉब्लम होगी थोड़ी, ठीक है, जैसे ही नेट आपका सही हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। पंकज सिंह कह रहे हैं सर जी नमस्ते, नमस्ते पंकज, पंकज मैं पहचान गया तुझे भाई, ऑफलाइन का स्टूडेंट है पंकज। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जब दोस्त के साथ जा रहे हैं उससे कहते हैं लेफ्ट मोड़, तो वो हमेशा लेफ्ट मोड़ता है, उसका कारण सिर्फ एक है कि वो उस समय प्रैक्टिकली उस बाइक को चला रहा होता है, इसलिए उसे मालूम होता है कि मेरा लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करना है, लेफ्ट राइट में कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको क्या बताने के लिए चला था कि बाएं को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं और जब भी लेफ्ट मुड़ने को कहा जाए तो हम लेफ्ट हमेशा बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, राइट हमेशा हम बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा था कैसे, जरा इस बात को समझते हैं, मेरे साथ जवाब देने की कोशिश करना और अगली बार से पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना, ठीक है, तभी तो इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को भी जब आप क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, मोबाइल खोला ऐसे देखना शुरू, मन किया तब बंद कर दिया, हाँ हाँ कर लेंगे बाद में लिख लेंगे, बात तो बाद ही होती है, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो 90 डिग्री कैसे मुड़ता है, कोई भी लेफ्ट मुड़ता है, तो देखिए कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चला, आप मुझे जवाब देंगे मैं यहां से इसे राइट हैंड मोड़ना चाहता हूं, सही मोड़ा मैंने, मेरे को मालूम है आपका जवाब क्या आया है, जल्दी दीजिए कमेंट में जवाब दीजिए मुझे फटाफट से, मैंने कहा मैं राइट हैंड मोड़ना चाहता हूं, मैंने सही मोड़ा है इसको, कमेंट में जवाब दीजिए मुझे फटाफट से, जल्दी से जवाब देंगे, क्या मैंने ऐसे सही मोड़ा है, बिल्कुल नहीं, अतुल कह रहे नहीं, विश्वेंद्र कह रहे नहीं, टोटली रॉन्ग मोड़ा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा विश्वेंद्र और अनिल जो जो बोल रहे हैं कि गलत मोड़ा है, मैंने कहा कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था वो यहां से राइट मुड़ता है, राइट, तो क्या मैंने अब उसे सही मोड़ा, जरा जवाब दीजिए मुझे फटाफट से। आदित्य यादव कह रहे गलत, अब बताओ
अब मैंने सही मोड़ा है कि नहीं मोड़ा है, जल्दी बताया। आयुष करण 90 डिग्री पर मुड़ेगा, यस यस यस, बिल्कुल अब सही मोड़ा है। इसका मतलब आप पहले से जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जब मुड़ेगा राइट हैंड तो वो बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़ेगा। ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं कि भाई देखो जरा यहां से जो इसका एंगल बनना है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का ही तो बन रहा है। तो मैंने क्या गलत कहा आपसे, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि जब भी कोई व्यक्ति सिंपल लेफ्ट मुड़ता है तो वो बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़ता है। चलिए इसे राइट मोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लेट्स से कोई व्यक्ति इस तरीके से दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, आपका टेस्ट भी हो जाएगा इससे कि आप लेफ्ट राइट सही मुड़ पा रहे हैं कि नहीं। कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर आ रहा है यानी कि साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, यहां से राइट हैंड मुड़ेगा। पहले आप डिसाइड करिए राइट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा। राइट हैंड मुड़ता है, केवल उसने कहा राइट हैंड मुड़ता है तो आप ऐसे ही तो मुड़ते हैं। ऐसे मोड़ने का मतलब ये जो ये कितने डिग्री के एंगल पर मुड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा है। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं लेफ्ट कुलदीप, ये राइट मुड़ा है, साउथ डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ फेस होगा, हाँ बिल्कुल वेस्ट की तरफ जाएगा। आदित्य आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई होप क्लियर है आपको, क्लियर है, हाँ वेस्ट साइड बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े वो बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़ता है, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर को, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक के बाद। ये बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको बताई, हाँ दो टर्म और रह गए, दो टर्म की बात और कर लेते हैं। यहां पर मैं एक टर्म यूज करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को एक मिनट रुके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में कहा जाता है वामावर्त। ये होता क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आखिर होते क्या है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा। हम सभी के हाथ में रिस्ट वॉच, ज्यादातर लोगों के हाथ में रिस्ट वॉच होती है या दीवार पर वॉच लगी होती है, हम लोग देखते हैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा ये वाली होती है, ये डायरेक्शन ही तो है, इसी तरीके से तो सुइयां घूमती हैं। ये जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, ये जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। जब सुइयां इसके अपोजिट घूमेंगी इस तरीके से तो उस वाले डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इसे एक बार हम दोबारा से डायरेक्शंस के जरिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यदि आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आते हैं तो दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्यों भाई सुइयां इसी तरीके से तो घूमती है घड़ी की, तो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। और जब आप ईस्ट से साउथ की तरफ जाते हैं तो कौन सा होगा, अगेन क्लॉकवाइज होगा। और जब आप साउथ से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा। और जब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो भी कौन सा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगा। तो फिर एंटी क्लॉक कब होगा, एंटी क्लॉक जब होगा जब ये डायरेक्शन ना चल के ये सारे के सारे एरो रिवर्स चलने चल जाए लग जाए तब वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होगा। सर कमेंट सेक्शन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है यहां तक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सीधा और उल्टा, अतुल कुमार क्या कह रहे हो, सीधा और उल्टा क्या, हाथ सीधा उल्टा बता रहे हो क्या, अतुल क्या बताना चाहते हो बताओ फटाफट से। हाँ जी चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस डायरेक्शन चैप्टर में हमें कितने टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन में हम 5 से 6 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मींस पूरा चैप्टर में जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। इसमें एक टाइप में मिसलेनियस टाइप रखूंगा जिसमें कि छोटे मोटे टाइप जिनके एक एक क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो सभी टॉपिक को कवर करने के लिए टाइप वाइज इसे डिवाइड करके चलते हैं। टाइप वन में किस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए डायरेक्शंस जो मैंने आपके सामने 4 बना रखे हैं, 8 बना रखे हैं, वो हमेशा रहेंगे आपके सामने जब जब मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे। किसी को डायरेक्शंस याद नहीं हो पाते एक बार में तो वो देख देख कर बता सकता है चीजों को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं टाइप वन का। टाइप वन है क्या उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो राइटिंग खराब आएगी क्योंकि अभी बोर्ड मेरे लिए नया है, हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे अब डिजिटल पर पढ़ा रहे हैं, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है। कुलदीप कुंतल,
क्लॉक एंटी क्लॉक का यूज फिगर्स में भी होता है, बिल्कुल फिगर्स में होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलदीप आप। जी हाँ, हाँ जी, तो टाइप वन क्या है? टाइप वन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा फाइनल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शंस को हिंदी में कहा जाता है अंतिम दिशा, अंतिम दिशा। फाइनल डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं अंतिम दिशा। फाइनल डायरेक्शन से मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, पहले एक बार सुनिए उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करें, देखेंगे। जब एक व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में चले, आगे जाके लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, या कोई भी हैंड पे टर्न करे, लास्ट में जाके वो आपसे सिर्फ इतना पूछे कि बताएं कि एट द एंड इन विच डायरेक्शन दिस पर्सन इज मूविंग, अंत में ये व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अंतिम दिशा, या इंग्लिश में कहें तो फाइनल डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप ये है। मेरा वादा था आपसे कि मैं आपको हर टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, और ये जो डायरेक्शन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चंस को करेंगे। हम कोशिश करेंगे कम से कम पेन यूज करें, थिंक विदाउट इंक, इंक का कम से कम प्रयोग करें, और सोच कर ही जवाब दे दें। ठीक है, चलिए आते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों ही रखा हुआ है यहां पर। थोड़ा बड़ा करते हैं, दिखाई दे आपको, थोड़ा सा भाई मुझे टाइम लगेगा सीखने के लिए इसे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दो दिन में सारी चीजें ठीक हो जानी है। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आई थिंक आपको, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन है, अ रेड वॉक्स 20 मीटर टू द ईस्ट, देन टर्न्स राइट, वॉक्स 10 मीटर एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 5 मीटर, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर, इन द एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन रेट इज फेसिंग, कौन सी दिशा की ओर इसने मुख किया हुआ है। ठीक है, चलिए आप एक चीज नोटिस करिए, सबसे पहले ये टाइप वन का क्वेश्चन कैसे है, मैंने आपसे कहा टाइप वन का क्वेश्चन है, तो टाइप वन में हम लोग फाइनल डायरेक्शन पढ़ते हैं। फाइनल डायरेक्शन देखिए इसने क्या पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन रेट इज फेसिंग, यानी कि अब जो चूहा है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। आंसर भी आना शुरू हो गए, नॉर्थ होगा आयुष, नॉर्थ होगा कुलदीप, कुंतल ने साउथ बोला है, क्या बात है भाई, किसका सही है, अभी मेरे को भी करने तो क्वेश्चन पढ़ा ही है, मैंने तो अभी देखा भी नहीं है अच्छे से। हाँ जी, तो उसने ये टाइप वन का क्वेश्चन, क्योंकि उसने पूछा है कि अंतिम रूप में वो चूहा किस दिशा की ओर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक चूहा पूरब की ओर यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, आपको मालूम है ईस्ट डायरेक्शन यही तो होता है, पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, लेट से ये जो लाइन है ये 20 मीटर की है, वो 20 मीटर पूरब ईस्ट की तरफ चलता है, फिर कहता है दाएं मुड़ता है यानी कि राइट, दाएं का मतलब राइट मुड़ता है, तो दाएं किधर मुड़ेगा बताइए जरा, नीचे की तरफ मुड़ेगा कि नहीं, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो ये हो गया आपका 10 मीटर। उसके बाद कहता है 10 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है, दोबारा से दाएं मुड़ा है तो दाएं इधर मुड़ेगा, और लेट से हमने ये 9 मीटर चला दिया। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बायां यानी कि लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, और ये हमने 5 मीटर चला दिया। उसके बाद कहता है कि फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, बायां यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट आपको समझ आना चाहिए इधर ही मुड़ेगा, और कितने मीटर चलता है लेफ्ट मुड़के, 12 मीटर चलता है, सॉरी मैं 20 बोल गया था शायद, 12 मीटर चलता है लेफ्ट मुड़के। ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, यहां से लेफ्ट कहां मुड़ेगा बताइए जरा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा और 6 मीटर चलता है, लेट से ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा, इसको हमने 6 मीटर चला दिया, बताएं अब है अंत में कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, तो आप क्लियरली देखकर मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा वाला डायरेक्शन है भाई, ऊपर की साइड कौन सा डायरेक्शन होता था जो मैंने वहां पर बनाए थे, उनमें ऊपर की साइड वाला डायरेक्शन होता था। अरे ये क्या हो गया भाई, इसे कौन सा पेन आ गया,
ये जो डायरेक्शन होता है ये कौन सा वाला डायरेक्शन होता है? ये वाला डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, हिंदी में कहूं तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। इसे कहते हैं फाइनल डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो आप सबको ही आता था, इसमें मैंने कुछ नया तो नहीं सिखाया आपको। क्यों भाई, आता था क्या? नहीं आता था? कुछ नया सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हो मुझे पता है, लेकिन नया तब सिखाऊंगा जब मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जरा इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से और मुझे जवाब देने की कोशिश करिए, और जवाब देने की कोशिश करें, चलिए जवाब ही दीजिए आप, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले मुझे जवाब दे दिए थे, नॉर्थ आ गया पिछले क्वेश्चन का आंसर, इसका भी दे पाएंगे। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, खुशी अपने चौरू वाले घर, चौरू नाम होगा कोई घर का, चौरू वाले घर के पश्चिम दरवाजे से निकलकर, यानी कि वेस्ट वाले गेट से निकलकर बाएं मुड़ती है तथा 1 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, इसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 50 गज आगे बढ़कर दाएं मुड़ जाती है तथा 20 गज चलती है, पुनः दाएं मुड़कर 50 गज चलती है, पुनः दाएं मुड़कर अपनी सहेली प्रिया के घर पहुंच जाती है। यहां पर लिख नहीं पाया है वो पूरा, पहुंच जाती है, प्रिया के घर पहुंच जाती है, इसे बाद में आना था, घर पहुंच जाती है। तो बताएं प्रिया के घर का दरवाजा किस दिशा में होगा? ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट एंड रीचेस टू हर फ्रेंड प्रियाज हाउस, देन फाइंड इन विच डायरेक्शन प्रियाज गेट, प्रिया के घर का दरवाजा किस दिशा में। मुझे लग रहा है कि आप पढ़ने में ही लगे हुए हैं सभी लोग, तभी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया आप लोगों का। फटाफट बताइए भाई आंसर क्या आने वाला है इसका, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर बहुत फटाफट से दिया था, छोटा सा मिल गया था तो सब ने पकड़ के लपेट दिया उस क्वेश्चन को। पंकज कह रहे हैं नॉर्थ। पंकज गलत तो नहीं है तुम्हारा आंसर, देखो एक बार, मेरे हिसाब से तो गलत है। अतुल कुमार कह रहे हैं बी, यानी कि पूरब। अतुल ये तो महागलत हो गया। कुलदीप कुंथल कह रहे हैं वेस्ट। अब मैं ये नहीं कहूंगा ये गलत हो गया, क्योंकि तुमने बहुत चालाकी से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करवा दिए, मुझे पता है रीजनिंग में ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम ऐसे कर करके 3 ऑप्शन एलिमिनेट करवा लोगे। पंकज दोबारा जवाब दे रहा है साउथ, अभी मैं नहीं बताने वाला क्या सही है, मुझे आंसर चाहिए, आप सभी से जल्दी दीजिए आंसर। आयुष कहाँ चले गए जवाब? हाँ आयुष, चलिए ठीक है, पॉज करके कर लिया करें आप क्वेश्चन को, यदि रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो। ठीक है, लाइव में तो हम लोग बात कर ही लेते हैं। विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं बी, यानी कि पूर्व। नहीं, गलत है विश्वेंद्र। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता था कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद इसका डायग्राम बनाओगे, तो ऐसा पूरा प्रोसेस अपनाने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लग जाना है। पिछला क्वेश्चन में भी आपने डायग्राम बनाया था, बट मैंने वहां शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई थी आपको, क्योंकि पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करवाना चाहता था। ठीक है, तो वो 3-4 मिनट हमारे पास कहाँ है? किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3-4 मिनट नहीं मिलते हैं, सेकंड्स में हमको काम करना है। तो सेकंड्स में कैसे काम होगा, जरा इस बात को समझ लेते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि खुशी अपने चौरू वाले घर के पश्चिम दरवाजे से निकलकर, यानी कि वेस्ट की तरफ जो गेट है वहां से निकलकर बाएं मुड़ती है, तो इसका मतलब वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है तो वो इधर ही तो चली होगी। अच्छा एक चीज और बताओ कि वो कितना चली, कभी गज में चली, यार्ड्स में चली, कभी किलोमीटर में, कभी मीटर में, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, फाइनल डायरेक्शन, ना कि मुझसे उसने दूरी पूछी है। ठीक है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं दूरी को लिखूंगा ही नहीं। ठीक, चलिए हमने क्या किया, हमने उसका इनिशियल डायरेक्शन लिखा के खुशी घर से निकली थी तो वो किस डायरेक्शन में निकली थी, वेस्ट में निकली थी, पश्चिम दिशा में निकली थी। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ते जाएंगे सभी लोग फटाफट से, और बोर्ड पे देखेंगे मेरी तरफ, और कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, जो करना था आप कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, खुशी अपने चौरू वाले घर के पश्चिम दरवाजे से निकलकर बाएं मुड़ती है तथा 1 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 50 गज आगे बढ़कर दाएं मुड़ जाती है तथा 20 गज चलती है, पुनः दाएं मुड़कर 50 गज चलती है, पुनः दाएं मुड़कर अपनी सहेली प्रिया के घर में पहुंच जाती है। मैं थोड़ी स्पीड मेरी तेज इसलिए थी क्योंकि क्वेश्चन आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड में पढ़ दिया, और आपके सामने
लेफ्ट राइट लिख दिए जितने भी उसने लिए थे, आप चेक कर सकते हैं मैंने बिल्कुल सही लिखे हैं कि नहीं, जो जो उसने लिए थे वही मैंने लिखे हैं। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि शोभित सर का विश्वास करो, धांसू ट्रिक सीखनी है तो आप बस यहां पर मेरी एक छोटी सी बात को फिलहाल के लिए मान लें। वो ये मानना है कि यहां जितने भी लेफ्ट और राइट हैं उन्हें आपस में आपको कैंसिल आउट कर देना है, मतलब एक लेफ्ट से एक राइट को काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट को काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट को काट दो, और जो बचा यानी कि क्या बचा आपके पास, राइट हैंड। तो जो खुशी पश्चिम की ओर चली थी उसे केवल और केवल एक बार राइट हैंड मोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि खुशी का मुख किस दिशा की ओर होगा, इन विच डायरेक्शन खुशी विल बी फेसिंग। बट ध्यान दें, गलत फहमी में मत रहिएगा कि नॉर्थ तो सर मैंने भी बोला था, सही आंसर तो है, आपका भी नॉर्थ आया, अभी आंसर नहीं आया है। ये तो ये बताता है कि खुशी अंत में किस दिशा की ओर जा रही थी, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, देन फाइंड इन विच डायरेक्शन प्रियाज गेट, यानी कि प्रिया के घर का दरवाजा किस दिशा में होगा। जब फाइनली बेस्ट से राइट हैंड मुड़कर खुशी अपनी सहेली प्रिया के घर में एंट्री करती है, तो खुशी का खुद का मुख तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन जो गेट है वो किस डायरेक्शन की तरफ खुल रहा होगा, जरा आप लोग मुझे जवाब दीजिए। नीचे की तरफ ही तो होगा गेट, तभी तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करके उसमें एंटर कर पाएगी। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ नहीं बल्कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा, यानी कि साउथ होगा। बोलिए पॉइंट क्लियर है कि नहीं है आपको, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दीजिए हाँ और ना में, नहीं तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा। आदित्य यादव कह रहे हैं साउथ, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फटाफट बताइए आपको ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, नहीं तो मैं एक बार ही फिर से बताऊंगा आपको। रविंद्र राइडर क्या कह रहे हैं, नहीं है क्लियर। चलिए मैं दोबारा बताता हूं, सर डायग्राम से बताइए। यस सर, डायग्राम से बता दूंगा बट उसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है भाई कुलदीप, डायग्राम से थोड़ी पढ़ने आए हम लोग यहाँ पर। चलो डायग्राम एक बार आप ट्राई करेंगे, एक बार आप ट्राई करेंगे। आपका सही था पंकज सिंह, हाँ दूसरी बार में सही आया था। यस सर क्लियर है, अतुल कुमार कह रहे हैं। हाँ जी कुलदीप, आप एक बार घर पर ट्राई करेंगे डायग्राम से, ठीक है, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया, अब क्वेश्चन हम ज्यादा कवर नहीं कर पाए, और नहीं आएगा तो कल फिर बताएंगे मुझे, मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा, ठीक है। और यदि यहाँ शॉर्ट में समझना है तो एक बार फटाफट से बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, उसके जितने भी लेफ्ट राइट टर्न थे वो सारे लिख लिए मैंने, लेफ्ट से राइट काट दिया, अकेला जो हैंड बचा वो कौन सा था, राइट। तो जो खुशी पश्चिम की तरफ निकली थी उसे राइट मोड़ दिया तो वो ऊपर को चल दी, ऊपर यानी कि नॉर्थ। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि वो अपनी सहेली प्रिया के घर में, सर मैं अभी क्लास से आउट कर दिया था। किसने आउट कर दिया था भाई, आउट किसी ने नहीं किया, यहां तो सब ठीक ठाक चल रहा है, आप अपने आप आउट हो गए होंगे रविंद्र, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास, आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आए तो कल पूछ लेंगे, पूछने में कहीं कोई समस्या नहीं आनी। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, उसे बस केवल एक बार राइट मोड़ा, वो नॉर्थ में चल दी। बट हमसे ये नहीं पूछा कि प्रिया का मुख किस दिशा, खुशी का मुख किस दिशा में, हमसे पूछा कि वो जिस घर में एंटर किया उस घर का जो गेट है वो किस दिशा में होगा। तो गेट ये रहा, गेट का डायरेक्शन कौन सा होगा, नीचे वाला, और नीचे वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं, साउथ डायरेक्शन कहते हैं। यदि ऐसे समझ नहीं आता तो हम बहुत आसानी से समझा देते हैं स्टूडेंट को कि आपका जो वेस्ट से राइट हैंड घुमाने के बाद आंसर आया वो क्या था, नॉर्थ। और यदि गेट पूछा जाता है तो आपके आंसर का हमेशा अपोजिट होता है। ये रटने वाली बात है भाई, इसमें मैं विश्वास नहीं रखता। बट यदि अभी फिलहाल किसी को लगता है कि नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है ये कि जो आपका आंसर आ रहा था नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट कर लीजिए, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, वो आपका आंसर बनेगा। चलिए पिछले क्वेश्चन पे और आते हैं एक बारी, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन को डायग्राम से सीखा था और मैं दोबारा से आपको ट्रिक से बताना चाहता हूँ। आपके सामने आंसर भी है, चूहे वाला क्वेश्चन, क्या आंसर आया था आपका भाई, नॉर्थ आया था। चलिए सेम क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से लगाएं, एक चूहा पूरा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलता है, यही तो होता है आपका ईस्ट। क्वेश्चन को पढ़ते जाना मेरे साथ, 20 मीटर चलता है, कोई मतलब नहीं है 20 मीटर 10 मीटर से हमको, क्योंकि हमें उसने मीटर पूछे ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। 20 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है मतलब राइट, और 10 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है यानी कि राइट, और 9 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, मैं गलत लिख गया, एक मिनट रुकिए जरा, पूरब की ओर चलता है दाएं मुड़ता है राइट, फिर 10 मीटर चलता है दाएं मुड़ता है
और 9 मीटर चलता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 12 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, अब किस दिशा में जा रहा होगा? क्या करना है, मैंने क्या बताया था, हर लेफ्ट से राइट को काटना है, हर लेफ्ट से हर राइट को काटना है, जो बचा वो क्या बचा बताइए जरा, लेफ्ट बचा। तो जो व्यक्ति ईस्ट में जा रहा था उसे केवल एक बार लेफ्ट मोड़ने से आपको पता चलेगा कि वो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा होगा, आंसर विल बी नॉर्थ, यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा होगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि सर आपने कह दिया कि हर लेफ्ट से हर राइट को काटना चाहिए, आपने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसा क्यों, आखिर लेफ्ट राइट कटा क्यों, इसे भी तो बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी, मेरी क्लास में रटने का कोई भी काम नहीं है, ठीक है, रटने का कोई काम नहीं है, जो भी चीज है वो सब प्रूव्ड है, उन्हें सिद्ध किया गया है, मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा कैसे लेफ्ट से राइट कट रहा है, तब आप जाकर उस चीज को मानेंगे, उसे शॉर्ट ट्रिक के तौर पर मानेंगे, ठीक है। चलिए, लेफ्ट से राइट कटा क्यों इसकी बात कर लेते हैं, टाइम आज थोड़ा सा ज्यादा होता जा रहा है, क्वेश्चंस बहुत कम ले पाए क्योंकि पहली क्लास थी, थोड़ी बातें भी हुई, थोड़ी लेट भी स्टार्ट हो पाई, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरी भूमिका सजानी पड़ती है, आप सभी को पता है थोड़ा टाइम लग जाता है, कल से हम लोग सीधे मुद्दे पर आएंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हर लेफ्ट से हर राइट को काटना होता है, अभी अभी मैंने आपको ये सीखने को कहा, लेकिन ऐसा क्यों, अब वो समझने जा रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेट से वो ईस्ट में गया, इसे मैं रेड पेन से करूंगा जिससे आपको याद रहे कि इसका खुद का फाइनल मतलब जो इनिशियल डायरेक्शन है वो क्या। कोई व्यक्ति मान लेते हैं ईस्ट में गया, मेरी मर्जी थी मैंने ईस्ट मान लिया, आपकी मर्जी हो आप कुछ भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते कोई व्यक्ति ईस्ट में गया यानी कि पूरब की तरफ गया, यहां से एक बार लेफ्ट मुड़ा तो आप बताइए किधर मुड़ेगा, ऊपर। अब एक बार राइट मुड़ा, आप बताइए किधर मुड़ेगा, इधर। आप मुझे ये बताओ कि अब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कि सर ये तो ईस्ट में जा रहा है। आप मुझे ये बताओ जब इसने चलना शुरू किया था तब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, कि सर ये तो तब भी ईस्ट में जा रहा था। ये चलना शुरू करता है तब भी ईस्ट में चला था, एक बार लेफ्ट एक बार राइट मुड़ने के बाद भी ईस्ट में ही जा रहा था, तो फिर फर्क क्या पड़ा उसके डायरेक्शन में, जीरो, सेम डायरेक्शन आ गया उसका। इससे यह प्रूफ होता है कि एक बार कोई लेफ्ट मुड़ जाए एक बार राइट मुड़ जाए तो उससे उसकी दिशा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसके डायरेक्शन में कभी भी चेंज नहीं होता। तो आज से हमने ये सीख लिया कि हर लेफ्ट से हर राइट को काट देना चाहिए, कैंसिल आउट कर देना चाहिए, और जो हैंड बचे केवल वही चलाना चाहिए। आई होप यहां तक पॉइंट आपको क्लियर होगा, लेफ्ट से राइट क्यों कटा ये आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा टाइम मैं सर से और लूंगा, अगली क्लास शुरू होती है इसलिए, तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर से लेकर आ रहा हूं, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसे देखेंगे और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग, जल्दी 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 आंसर देंगे। टाइम मिल गया है तो आगे और दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर दीजिए फटाफट से। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फेसिंग टू द सन, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, बाद में वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी आंसर आ गया, देखो डी आंसर क्या भाई, पश्चिम, वेस्ट की तरफ जा रहा है। और बताइए फटाफट आंसर, वेस्ट जा रहा है, आदित्य यादव, अतुल कुमार ने कहा डी, कुलदीप कुंतल कह रहे हैं डी, बिल्कुल सही है वेस्ट, पंकज सिंह कह रहे हैं डी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ट्रिक लगाइए फटाफट से आंसर आएगा, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, थिंक विदाउट इंक, मैंने आपसे पहले ही कह दिया थिंक विदाउट इंक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फेसिंग टू द सन, सबसे पहले बात करते हैं सन की, सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है ये हम सब लोग जानते हैं, पश्चिम से होता है, सही कहा मैंने
कुछ लोगों का तो सूर्य पश्चिम से भी उदय होता होगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं जानते होंगे जो। हाँ जी, सब जानते हैं कि सूर्य कहाँ से उदय होता है। सूर्य हमेशा पूरब यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है। ईस्ट डायरेक्शन हमेशा मेरे राइट हैंड साइड में ही तो होता है, इस साइड में ही तो होता है, ठीक है। सूर्य हमेशा ईस्ट से राइज करता है यानी कि उदय होता है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू किया, तो ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में चला। सिंपल सी बात ही है, मुझे सूर्य बनाना नहीं था, आपको समझाने के लिए बना दिया था मैंने, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब दो बार लेफ्ट लिए, वैसे तो बहुत आसान था, ईस्ट से एक लेफ्ट और ईस्ट से दूसरा लेफ्ट, और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बताइए आप मुझे, ये डायरेक्शन हो गया आपका वेस्ट। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ और, हर हेवेंद्र यादव कह रहे हैं वेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो हेवेंद्र। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। आपने डायग्राम से देख लिया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, वेस्ट आने वाला है। अब जरा ट्रिक को समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रत्येक लेफ्ट से प्रत्येक राइट की वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया जाता है, और इवन समझाया भी था क्यों किया जाता है। अब आप एक दूसरी बात सीखने जा रहे हैं कि दो लेफ्ट या फिर दो राइट, टू लेफ्ट या टू राइट, किसी भी व्यक्ति को हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। दो लेफ्ट या दो राइट किसी भी व्यक्ति को हमेशा उसके अपोजिट विपरीत दिशा में ले जाते हैं। प्रूफ कर देते हैं इस बात को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, आप सबने दिया था वेस्ट दिया था, याद है ना आपको, मैंने अभी डायग्राम भी बनाया था। अच्छा, क्वेश्चन यह था कि एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ चला था, पहले वो एक लेफ्ट मुड़ता है फिर एक लेफ्ट मुड़ता है, तो बताएं अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। मैंने अभी अभी बताया कि दो लेफ्ट किसी भी व्यक्ति को, ये कितने लेफ्ट हैं, दो लेफ्ट, दो लेफ्ट किसी भी व्यक्ति को हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में ले जाते हैं। तो किसका विपरीत, उसने चलना कौन से डायरेक्शन में शुरू किया था, आप मुझे बताइए। ईस्ट डायरेक्शन में किया था। आपको पता है आपके डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। मैंने कहा कि दो लेफ्ट हमेशा अपोजिट ले जाते हैं, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा भाई, ईस्ट का अपोजिट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आंसर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो आपने यहां से एक नई बात सीख ली कि दो लेफ्ट और दो राइट किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। नहीं, रटना इसको भी नहीं है, समझाऊंगा बाकायदे ऐसा हो क्यों रहा है, रटने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। यही व्यक्ति जो ईस्ट में चला था, मान लेते हैं ये ईस्ट में चला, आपके सामने ही तो आया था अभी सब कुछ, एक बार फिर से लिख देता हूं। ईस्ट में चला, इसने एक लेफ्ट मुड़ा फिर दूसरा लेफ्ट मुड़ा, बताइए अब वो कहां जा रहा है, कि सर वो वेस्ट में जा रहा है। जब चला था तब वो कौन से डायरेक्शन में था, कि सर वो ईस्ट में चला था। जब वो ईस्ट में चला उसके बाद वो दो लेफ्ट मुड़ा, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, दो लेफ्ट मुड़ने के बाद वेस्ट हो गया, ईस्ट से वेस्ट हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया। तो यहां से तो कंफर्म हो गई ना बात कि कोई व्यक्ति दो लेफ्ट मुड़ेगा तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, अब लेफ्ट छोड़ो राइट की बात करते हैं, ये दो राइट मुड़े तो एक राइट इधर मुड़ेगा, दूसरा राइट नीचे मुड़ेगा, कहां चल देगा बताइए आप मुझे, कि सर ये साउथ में चल देगा, और पहले कहां जा रहा था, कि सर ये नॉर्थ में जा रहा। एक्चुअली उसने दो राइट मुड़े थे, दो राइट मुड़े थे, और दो राइट मुड़ते ही नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि कौन से डायरेक्शन में पहुंच गया, वो साउथ में पहुंच गया। हैंस प्रूफ्ड, अपनी ट्रिक प्रूफ है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि प्रत्येक लेफ्ट से प्रत्येक राइट कैंसिल आउट हो जाता है। आपने यह समझ लिया कि दो लेफ्ट की वैल्यू या दो राइट की वैल्यू किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर है आपको क्या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये मैं कभी भी पूछ सकता हूं आपसे जो लिखवा रहा हूं, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स तैयार रहिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, चलिए देखिए जरा। क्वेश्चन है, सोनिया पूरब दिशा की ओर जाती है, अब वह किस पथ का पालन करे कि वह दक्षिण दिशा में पहुंच जाए। सोनिया वॉक्स टू द ईस्ट, नाउ व्हाट वे शी शुड फॉलो टू रीच साउथ डायरेक्शन। ट्राई करिए एक बार फटाफट से, उसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं कुछ। जब तक पिछला डेटा आपके सामने लिख दूं, प्रत्येक लेफ्ट से प्रत्येक राइट कैंसिल आउट था, मैंने आपको बताया कि दो लेफ्ट या दो राइट किसी भी व्यक्ति को हमेशा
अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया? ए कुलदीप कुंतल, वेरी गुड राइट आंसर। लेकिन ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यही ऑप्शन मिल गया है, ए बी सी डी में से डी मिलता तब क्या होता। और दीजिए आंसर दीजिए भाई, बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, एक ही व्यक्ति का आंसर कैसे आया है? पंकज सिंह ए, राइट 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 राइट, हमें राइट कह दिया उसके बाद भी आंसर नहीं दे रहे बाकी लोग। अरे ए को ही ढंग से चेक कर लो, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आयुष ए, तब पूछा था तब जवाब नहीं आया था पिछले क्वेश्चन का। आयुष आदित्य यादव ए, हेवेंद्र यादव राइट, क्या राइट, व्हाट राइट हेवेंद्र, क्या राइट कह रहे हैं? आंसर चाहिए मुझे, राइट नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सोनिया पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करती है, ईस्ट डायरेक्शन, यही तो होता है ईस्ट। बार बार बताने की जरूरत है क्या मुझे, ईस्ट इधर होता है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। हाँ अतुल कुमार ए, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए तो कहते हैं इनमें से किस सीक्वेंस को वो फॉलो करे जिससे कि अंत में उसका मुख दक्षिण दिशा, ये दक्षिण लिखा था वो दक्षिण लिख गया है गलती से टाइपिस्ट, मैं डायरेक्शन डायग्राम में फंस गया था क्वेश्चन में। अच्छा कोई बात नहीं, तो डायग्राम बनाना ही नहीं है, मैं तो ट्रिक बताइए डायग्राम बनाना कहाँ है। हाँ जी सोनिया पूरब की ओर चलना शुरू करती है, वो किस पथ का पालन करे कि दक्षिण दिशा में आ जाए यानी कि साउथ डायरेक्शन में आ जाए, इनमें से कौन सी सीरीज उसे अप्लाई करनी चाहिए मुड़ने की। सी हेवेंद्र गलत कह रहे हो, चलो देखो इधर मैं बताता हूँ। हाँ जी यदि हम प्रैक्टिकली ए ऑप्शन को पिक कर लेते, मान लेते कि ये सही ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए व्यक्ति को लेफ्ट 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 मुड़िए, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट, क्यों भाई साउथ आ गया कि नहीं आ गया, आंसर है क्योंकि हमें जाना भी कहां था, साउथ में जाना था, दैट मीन्स आंसर इज ए, ए राइट ऑप्शन। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम तो भाग्यशाली हैं कि पहला ऑप्शन था, यदि यही ऑप्शन डी ऑप्शन में पड़ा होता तो सबसे पहले मुझे इन गलत ऑप्शंस को चेक करना पड़ता और अपने टाइम को वेस्ट करना पड़ता, करना पड़ता कि नहीं, टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैं आपको फिर एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि तीन लेफ्ट या फिर तीन राइट किसी भी व्यक्ति, सॉरी तीन लेफ्ट जो होते हैं वो हमेशा एक राइट के बराबर होता है और तीन राइट जो होते हैं वो हमेशा एक लेफ्ट के बराबर होते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए फिर मैं समझाऊंगा आपको। मैंने कहा तीन लेफ्ट की वैल्यू हमेशा एक राइट के बराबर होती है और तीन राइट की वैल्यू हमेशा एक लेफ्ट के बराबर होती है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं जरा इसे समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। ये तो डायग्राम से हो गया, ऑप्शन से हो गया, बिना ऑप्शन के बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करते ट्रिक से। क्वेश्चन ये था कि सोनिया पूरब दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, वो किस पथ का पालन करे कि उसका मुख दक्षिण दिशा में हो जाए यानी कि साउथ डायरेक्शन में हो जाए। तो जो सोनिया ईस्ट में जा रही है उसे दक्षिण यानी कि साउथ होना है, तो केवल केवल और केवल एक राइट ही तो मुड़ जाना चाहिए, नीचे की तरफ ही तो दक्षिण है, तो केवल एक बार राइट हैंड मुड़ते ही वो साउथ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलिए हाँ और ना, केवल एक राइट मुड़ते ही वो साउथ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने इन सारे ऑप्शंस में एक राइट हैंड ढूंढना है कि एक राइट हैंड मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि ये तो आंसर था तो अब मैं यहां से चेक नहीं कराऊंगा, मैं यहां से चेक कराऊंगा। देखो राइट लेफ्ट लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट कट गया, बचा क्या लेफ्ट, क्या मुझे लेफ्ट लेना है? नहीं सर मुझे तो राइट लेना है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। मान लीजिए ये शुरुआत में होते तो क्या कर रहे होते, मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा अगला ऑप्शन देखेंगे, तो ये तीन राइट है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि तीन राइट की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक लेफ्ट के, क्या मुझे लेफ्ट लेना है? नहीं लेना, अगेन ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहां पर है लेफ्ट से राइट कटने के बाद क्या बचा लेफ्ट, क्या मुझे लेफ्ट लेना है? नहीं लेना है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो रीजनिंग तो ये कहती है जब तीन ऑप्शन मेरे आंसर नहीं है तो ये वाला तो आंसर है, लेकिन यहां नहीं क्योंकि नन ऑफ दीज है। हाँ अब ये आंसर क्यों बना, क्योंकि यहां पर तीन लेफ्ट थे और मैंने आपको बताया कि तीन लेफ्ट की वैल्यू बराबर होती है एक राइट के, और जो सोनिया पूरब दिशा में जा रही थी उसे केवल एक राइट मुड़ना था साउथ डायरेक्शन में जाने के लिए, तो तीन लेफ्ट की वैल्यू एक राइट हो गई, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बोलिए पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को कि नहीं? तो अब मुद्दा आता है कि सर तीन लेफ्ट एक राइट के बराबर कैसे, तीन राइट एक लेफ्ट के बराबर कैसे। अतुल कुमार कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया, वेरी गुड। जब
एट एनी मोमेंट। अच्छा अनीश चार कह रहे हैं बात करनी है उन्हें, चलिए अनीश को ले लेते हैं, आज पहली क्लास है तो कॉल वॉल पे बात कर लेते हैं। हाँ हेलो अनीश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कह रहा था अगर एक मतलब रैंक दिया होता ऑप्शन ई की जगह पर, किसकी जगह पर? ऑप्शन ई। हाँ हाँ केवल रैंक दिया होता, दाएं दिया होता, तो अरे अनीश कभी एक प्रश्न के दो आंसर हो सकते हैं क्या? ऐसा मिसप्रिंट की वजह से भले ही हो जाए, एग्जामिनर तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो हाँ अनीश से मेरी बात हो, अनीश से मेरी बात होगी, मैं सभी को समझा देता हूँ क्या बात है। अनीश ये कह रहा है कि सर इस नन ऑफ दीज की जगह पर मान लो केवल एक राइट दिया होता तो क्या होता? ऐसा होता ही नहीं अनीश, ऐसा कैसे हो जाएगा कि भाई यहां से भी एक राइट मिल रहा है मुझे, यहां से भी एक राइट मिल रहा है। क्या मैं पेपर में ओएमआर सीट पर दो बार गोले भर सकता हूं क्या, ए और ई? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बने हैं वो बहुत सोच समझ के बने हैं अनीश, तो ऑप्शन हमेशा एक ही सही होगा, वही हमें टिक करना है। एनी डाउट सर? जो आपने बताया मतलब हाँ सर, मतलब हाँ हाँ तो सही लिखा है ना, तीन लेफ्ट एक राइट के बराबर होते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन तो ये है ना कि नन ऑफ दीज की अगर राइट होता तो क्या होता, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होता ही नहीं अनीश, ऐसा कैसे हो जाएगा, दो दो आंसर। ठीक है चलिए देखिए, अब बात करनी है हमें तीन लेफ्ट की वैल्यू एक राइट के बराबर कैसे होती है और तीन राइट की वैल्यू एक लेफ्ट के बराबर कैसे होती है। भाई रटना थोड़ी है हमको, कुछ रटना नहीं है हमको, इसलिए ये समझना पड़ेगा कि तीन लेफ्ट की वैल्यू एक राइट और तीन राइट की वैल्यू एक लेफ्ट के बराबर कैसे होती है। जैसे हमने दो लेफ्ट दो राइट अपोजिट कैसे ले जाते हैं, प्रत्येक लेफ्ट से राइट कैसे कट जाता है ये सीखा, ऐसे ही ये सीखेंगे। चलिए देखिए, चलिए कोई व्यक्ति लेट से नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, कौन से डायरेक्शन में चलता है? नॉर्थ। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज करूंगा, आपको याद रहेगा कि वो सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में चला है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। अब मैं कहता हूं उस व्यक्ति को आप तीन बार लेफ्ट दिलवा दो, तीन लेफ्ट दिलवाओ। चलिए यहां से पहला लेफ्ट यही मुड़ेगा, दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट, ये तीन लेफ्ट मुड़ने के बाद कौन से डायरेक्शन में चल दिया आप मुझे बता दें कि सर वो ईस्ट में चल दिया। दोबारा समझना, मैंने कहा कोई व्यक्ति नॉर्थ में चला मान लेते हैं, वो एक लेफ्ट मुड़ा, दूसरा लेफ्ट मुड़ा, फिर तीसरा लेफ्ट मुड़ा, तब वो कौन से डायरेक्शन में चल दिया, ईस्ट में चल दिया। और मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जो व्यक्ति नॉर्थ में चला था उसे एक दो तीन लेफ्ट मोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप इन तीन लेफ्ट की जगह पर केवल एक राइट मोड़ देते तो भी तो उसका मुख कौन सी दिशा की ओर हो जाता, पूर्व दिशा की ओर हो जाता। इसका मतलब तीन लेफ्ट की जगह पर हम एक राइट को यूज कर सकते हैं, तीन लेफ्ट की वैल्यू हमेशा एक राइट के बराबर होती है, सेम तीन राइट की वैल्यू भी तीन लेफ्ट एक लेफ्ट के बराबर होती है। कमेंट करके बता दीजिए ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद मैं आज की क्लास को एंड करूंगा। फटाफट से बताइए तीन लेफ्ट की वैल्यू एक राइट के बराबर कैसे हुई, ये पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताएंगे जल्दी जल्दी। कुलदीप कुंतल कह रहे हैं ओके सर, अतुल कुमार यस सर, पंकज सिंह यस सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्लास खत्म होते समय, और बाई चांस यदि रह जाता है तो कल की क्लास में सब क्वेश्चन समझ आ गए सर, वेरी गुड। कल से मैं कोशिश करने वाला हूं कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा मिल पाए, ठीक है। आज पहली क्लास थी जैसा कि मैंने बताया, तो बातें बातें हो जाती हैं, आज मैंने कॉल्स भी ले लिए एक दो तीन, लेकिन कल से मैं कॉल्स वगैरह बहुत रेयर ही लूंगा जब बहुत ज्यादा किसी की कोई प्रॉब्लम होगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, टाइप वन स्टार्ट किया है, याद रखिएगा कुछ चीजें बताई हैं, इन्हें याद रखिएगा, कल आके सबसे पहले रिवाइज करते हुए चलेंगे। टाइप वन खत्म नहीं हुआ अभी, डोंट वरी, खत्म नहीं हुआ है टाइप वन। टाइप वन को हम करेंगे, आगे भी करेंगे, कल की क्लास में भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे के छोड़ जाता हूं, ये है आपका होमवर्क, स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, सॉरी भाई बोर्ड नया है मेरे लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने के लिए। क्वेश्चन ये है, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि चित्र का अध्ययन करो, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है, ये है भाई ये पहुंचता है, तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा,
इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। कल की क्लास में मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाएंगे कि सर आपने कल एक होमवर्क दिया था हमको, ठीक है। अच्छा तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मुझे मालूम है आप इतने ब्रिलियंट और जीनियस स्टूडेंट हैं, आंसर तो निकाल लाओगे, लेकिन मुझे एक स्मार्ट तरीका ढूंढ कर देना। स्मार्ट तरीका, स्मार्ट तरीके से आंसर चाहिए मुझे, हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से आंसर चाहिए। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। ये आपका होमवर्क है, इसी तरीके से जुड़े रहिए। आप लोग लाइव आते हो, कमेंट करते हो तो एनर्जी आ जाती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। कमेंट भी लगातार करते रहा करो, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल होगा आप तक पहुंचाने के लिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। थैंक यू।